तो मैं मशगूल हूँ आप सबका, थैंक यू वेरी मच। और डीसी साहब, एडिशनल डीसी साहब और मेरे दीगर क्लर्क भाइयों, पटवारियान, लोकल गवर्नमेंट, TMA मानसरा, हमारा आज का एहतजाज गुंडागर्दी जो वकला साहिबान ने पेशावर में गुंडागर्दी की है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और हमारे क्लर्कों के साथ, आज का एहतजाज इसलिए हम कर रहे हैं, वकला करेंगे। खुदा की कसम, मैं आज कसम उठाकर कहता हूँ, ना हम किसी को छोड़ेंगे, ना हम इज्जत नफ्स के लिए नौकरी करते हैं। गुंडागर्दी हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, हमारी एपका की तारीख को लोग जानते हैं। एपका पूरे सूबा साथ बल्कि पूरे आल पाकिस्तान में यह हड़ताल जारी रखेगी। गुंडागर्दी। अंजुमन पटवारियान और कानून गोयान जिला मानसरा के सदर बशीर अहमद स्वाती से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं सब भाइयों को, आल एम्प्लाइज वाले को, अंजुमन पटवारियान को, सब मुलाजिमीन को खुश आमदेद कहता हूँ। और आज का ये हमारा एहतजाज पेशावर में वकला गुंडागर्दी के खिलाफ है और इंशाल्लाह हम शाना बशाना खड़े होंगे। हम इज्जत नफ्स के लिए हम काम करते हैं, हम कभी भी वकला गुंडागर्दी के खिलाफ हम इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। कमिश्नर साहब नाल ए वकीलां दी एक काली वस्कार्ट असां जोगे बबाले जान बन गई है। इंशाल्लाह अगर असी इज्जत ना कर सन, मुलाजमान दी इज्जत ना कर सन, मैं उस महकमे दा सदर हां, असां दी इंतजामिया दी माजरत करो। आपके सामने आप खिताब करेंगे जनाब डिप्टी कमिश्नर अदनान साहब, आपसे गुजारिश है कि खिताब फरमाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हजरात आज अपनी एसोसिएशन की कॉल पे यहाँ पे आए हुए हैं, पूरे सुबह भर में की मुख्तलिफ एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अपनी कॉल की हुई है। आप सब हजरात इस एक मकसद के लिए आए हुए हैं कि सरकारी मुलाजमीन की इज्जत, माल और जान का तहफ़ किया जाए। ये सरकारी मुलाजमीन आपको पता है हम एक बैकबोन है इस सोसाइटी का, आपकी तादाद वर्क फोर्स में सबसे ज्यादा है। इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि सरकारी मुलाजमीन की तादाद बहुत ज्यादा है वर्क फोर्स में, एम्प्लॉयमेंट में। तो ये तासुर कि अगर हम शायद एक जा हो जाएं और कुछ हो नहीं सकता, तो ये भाई जायल करने की जरूरत है। हमारा मकसद आवाम की खिदमत करना है। आप सब मुलाजमीन, छोटे मुलाजिम से लेके बड़े मुलाजिम तक, ये सारे एक ही मकसद के तहत है कि वो अपने आवाम की खिदमत कर सकें। इसमें अगर कोई तातुल डालेगा, उसमें कोई बद इंतजामी करेगा, कोई उसमें रकावट डालने की कोशिश करेगा, तो एक सोसाइटी को एक गलत मैसेज जाता है इस चीज़ का। आवाम को, ऑफिसर्स को, नीचे जो हमारे मुलाजमीन है सबके मोरल को डाउन किया जाता है इसके थ्रू। कोशिश यही है, अभी इसका मकसद यही है कि हमारे सरकारी मुलाजमीन को तहफ़ दिया जाए। जो भी मुलाजिम हो, ट्रैफिक का मुलाजिम अगर चौराहे पे खड़ा है, उससे लेके ऊपर तक जितने भी मुलाजिम हैं, सबको तहफ़ जरूरी है, उसका एहसास उसके लिए जरूरी है, क्योंकि वो अपने लिए काम नहीं कर रहा होता, वो कार्य सरकार के लिए काम कर रहा होता है। कार्य सरकार में जो भी मुदाखलत करे उसकी सजा व जजा कानून में मौजूद है। तो जो लोग ऐसे काम करें, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो जिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से हो, सबका फर्ज है कि वो इनको डिस्करेज करे और जो कानून में सजाएं मौजूद हैं उन सजाओं के मुताबिक अमल दरामद कराया जाए। आप सबका शुक्रिया। और मैं इस बात पे भी खुश हूँ कि आप लोगों ने एक पुरअमन एहतजाज किया हुआ है। आवाम को आप लोगों ने सताने की कोशिश कोई नहीं है किसी की भी, पुरअमन एहतजाज हमारा मकसद है और पुरअमन एहतजाज ही आपका मकसद था। एक मैसेज था, एक टोकन वो था, प्रोटेस्ट था आप सबका, और ये टोकन प्रोटेस्ट जरूरी है आप लोगों के लिए, आपकी अपनी जान, माल और इज्जत के लिए। तो मैं आप लोग इसको पुरअमन ही रखिएगा और ये आप सबका मैसेज है आज की इस तकरीब का। थैंक यू सो मच आप सबका। मैं ज्यादा बातें तो जोर मजम्मत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि एक पढ़ा लिखा तबका जो आपको अपने आप को वो गला कहते हैं, उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो किसी तरह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम DC साहिबान, SC साहिबान के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी खड़े रहेंगे और हक के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। थैंक यू।